नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डियाना सूज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे सेंटर जिप बूट स्टैंडर्ड साइज 8। चलिए शुरू करते हैं। इसकी हाइट हम रखेंगे 14 सेंटीमीटर। मार्क लगा लेते हैं 40 सेंटीमीटर पर। बैक हाइट पॉइंट का 14 सेंटीमीटर। बैम पॉइंट का मार्क लगा लेते हैं, यह है सी पी। सी पी से 7/10 ऑफ स्टैंडर्ड लास्ट लेंथ। स्टैंडर्ड लास्ट लेंथ है 280 mm। कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 196 mm। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया इसका बैम पॉइंट। यहाँ लगाएंगे इन स्टेप पॉइंट। बैम पॉइंट से इन स्टेप पॉइंट का डिस्टेंस होता है 1/4 ऑफ स्टैंडर्ड लास्ट लेंथ। ये हो जाएगा 70 mm। ये हो गया इसका इन स्टेप पॉइंट। यह है इसका सीट पॉइंट। यह इसका लास्ट टॉप पॉइंट, इसको मान लेते हैं टी। अब दो पॉइंट लगाएंगे हम, टी पॉइंट से 3 mm के डिस्टेंस पर और एस पॉइंट से 3 mm की डिस्टेंस पर। स्टैंडर्ड को यहाँ रखेंगे, काउंटर पॉइंट से इसको रोटेट करेंगे और एक लाइन ट्रेस करेंगे। दोबारा इसको रीपोजिशन पर रखें, काउंटर पॉइंट से इसको रोटेट करें और एक लाइन ट्रेस करें यहाँ तक, जो सीट पॉइंट से हमने 3 mm की डिस्टेंस पर मार्क लगाया वहाँ तक। इसको यहाँ लास्टिंग अलाउंस में मिलाएंगे। अब इसको यहाँ मिलाएंगे, देखिए। अब बैक हाइट पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ट्रेस करेंगे। बैक हाइट पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल पर हमने एक लाइन ट्रेस कर ली। देखिए यहाँ सेंटर में हम लाएंगे जिप, तो इसकी ओपनिंग हम रखेंगे 130 mm। यदि हम इस प्रकार का बूट बनाए जो पूरा ही बंद होता है, क्लोज्ड बूट होता है, तो उसमें डी लास्टिंग के लिए ओपनिंग थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है और फुट एंट्री भी आसानी से हो जाए, इसलिए उसमें ओपनिंग थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। यहाँ सेंटर में हम जिप लगाएंगे। जिप ओपन करने पर जो स्पेस है हमें काफ़ी स्पेस मिल जाएगा, जिससे फुट एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना डी लास्टिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए इसकी ओपनिंग रखेंगे 130 mm। यदि ये बंद रहता तो इसकी ओपनिंग रखते 135 mm। 5 mm उसमें इंक्रीज कर लेते हैं, 130 mm पर मार्क लगाएंगे। यहाँ से एक पॉइंट लगाएंगे 10 mm की डिस्टेंस पर। ये हमने एक पॉइंट लगा दिया 10 mm की डिस्टेंस पर। इस पॉइंट को मान लेते हैं एस। इस पॉइंट को हमने मान लिया एस। इसे 10 mm की डिस्टेंस पर ऊपर की ओर जो पॉइंट लगाएंगे उसको मान लेते हैं ओ पॉइंट। ये अब बैक हाइट पॉइंट से ओ पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ट्रेस करेंगे। बैक हाइट पॉइंट से ओ पॉइंट को मिलाते हुए ये हमने एक लाइन ट्रेस कर दी इसमें। अब ओ पॉइंट से एक लाइन ट्रेस करेंगे कर्व में, जो आई पॉइंट से फाइव एम एम की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगाएंगे, 5 mm डिस्टेंस ऊपर की ओर। अब ओ पॉइंट से एक लाइन ट्रेस करेंगे जो एस पॉइंट और आई पॉइंट से होते हुए इस लाइन में मर्ज हो जाएगी सेंटर लाइन में। देखिए फाइव एम की डिस्टेंस डिवाइडर में ऐड करेंगे, और ओ पॉइंट से इसमें डिवाइडर लगाएंगे बी पॉइंट तक। हमने डिवाइडर इसमें लगा लिया है। अब इसको हाईलाइट कर लेते हैं। यहां तक हमने इसको हाईलाइट कर लिया है। अब बी पॉइंट से एक लाइन ट्रेस करेंगे। अब इस लाइन को यहां मिलाएंगे। स्केल को इस लाइन पर मिलाएंगे और इसके पैरेलल 25 mm के डिस्टेंस पर एक लाइन और ट्रेस करेंगे। एक लाइन यहां से 25 mm के डिस्टेंस पर ट्रेस करेंगे, इस टॉप लाइन से 25 mm की डिस्टेंस पर।
हमने एक लाइन ट्रेस कर ली इसमें। अब इस फेसिंग की लाइन से 25 एम के डिस्टेंस पर एक लाइन और ट्रेस करेंगे, डिवाइडर लगाएंगे इसमें 25 एम के डिस्टेंस पर। देखिए देखिए ये जो बूट है हम बनाएंगे इसको जींस लुक में, यहां से इसमें जिप लगाएंगे इस पॉइंट से, यहां से इसमें जिप। देखिए जिप के लिए जो दोनों साइड में जो डिस्टेंस है वह रहना चाहिए 9 mm मिनिमम, 8 to 9 mm रहना चाहिए। तो यहां हमने इसको 10 mm रखा है, देखिए एक तरफ इसको 5 mm, दूसरी साइड 5 mm, 10 mm हो जाएगा। देखिए यहां लगाएंगे इसमें लूप, जिस प्रकार जींस में लूप होती है बेल्ट को रोकने के लिए, इसी प्रकार इसमें यहां पर लूप लगाएंगे। यहां से 25 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट लगाएं और एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ट्रेस करें। देखिए इस लाइन से ये है 5 mm, 5 to 6 mm कर लेते हैं इसको, यहां लगाएंगे 6 mm पर पॉइंट, एक लाइन इसमें ट्रेस करेंगे। देखिए ये बन जाएगी एक लूप, इसको यहां से थोड़ा ओपन रखेंगे। डिवाइडर में 20 mm की डिस्टेंस सेट करेंगे, 20 mm। अब यहां से 20 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट लगाएं, ये हमने दो पॉइंट्स लगा दिए, एक ये और एक ये। अब इसमें लूप ट्रेस करेंगे, उसकी जो विड्थ है वह रखेंगे 8 mm, 8 mm पर पॉइंट लगाएं, 8 mm। फिर यहां से 20 mm के डिस्टेंस पर एक और पॉइंट लगाएंगे, 20 mm, उसके बाद 8 mm, 8 mm, 20 mm के डिस्टेंस पर और मार्क लगाएं, एक और 20 mm एंड 8 mm, ये हमने पॉइंट्स लगा लिए हैं। अब देखिए यहां से 31 mm, देखिए 25 mm के डिस्टेंस पर यह है और इसको हमने नीचे 6 mm और इंक्रीज कर लिया है, तो 31 mm के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगाएंगे, यहां तक ट्रेस करेंगे इसको 31 mm तक। देखिए ये जो दो पॉइंट लगाए हैं इतनी यहां पर हम लाइन ट्रेस करेंगे। जो हमने पॉइंट लगाए थे उसमें लूप ट्रेस कर लेते हैं। देखिए हमने यहां से एक डिवाइडर लगाया था 25 mm की डिस्टेंस से, यहां से फेसिंग की लाइन से, और 25 mm की डिस्टेंस पर 25 mm। अब देखिए 25 mm की डिस्टेंस पर ये जो लाइन है वह इस लूप के नीचे आ रही है, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब इन दोनों के मिडिल में एक पॉइंट लगाएंगे, यह 20 mm, 10 mm की डिस्टेंस पर पॉइंट लगाएंगे। अब इस लेंथ डिस्टेंस को मेजर करें और यहां से डिवाइडर लगाएं, देखिए ये हमने इसमें डिवाइडर लगा दिया है, यहां से इसको ट्रेस करें और इसमें मिलाएं। देखिए और यहां से इसको हाईलाइट कर लेते हैं, अब इसको यहां इस तरह मिलाएंगे, देख लेते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ाकर यहां से इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, इसको यहां मिला देते हैं इस तरह, इसमें कंपोनेंट हम ट्रेस करेंगे। यहां से 15 mm की डिस्टेंस पर पॉइंट लगाएंगे इस लाइन से, 15 mm, और एक लाइन इसमें ट्रेस करेंगे 15 mm की डिस्टेंस पर। काउंटर इसमें ट्रेस कर लेते हैं, यहां लगाएंगे 9 mm की डिस्टेंस पर पॉइंट, एक लाइन ट्रेस करेंगे यहां से, थोड़ा कम भी ले सकते हैं ज्यादा भी, कोई फिक्स मेजरमेंट इसमें नहीं है। यहां से
किसी भी तरह से दो लाइन इसमें ट्रेस कर लें, फिर उनको मिलाते हुए इसमें काउंटर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से इसमें मिलाएंगे। ये कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ये इसमें क्या करेंगे, इसमें एक जॉइंट लगाएंगे इसमें, यहाँ से ये कंपोनेंट यहाँ तक निकल जाएगा। उसके बाद इस स्टेप में 9 mm का अंडरले अलाउंस ऐड करते हुए एक स्टेप निकल जाएगी। देखिए इस लाइन को यहाँ तक आगे इसमें मिला देते हैं। अब इस लाइन से 8 mm के डिस्टेंस पर पॉइंट लगाएंगे, 8 mm। ये दो पॉइंट्स हमने लगा लिए हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाएं, इसको इस लाइन पर स्केल को मिलाते हुए रखेंगे। अब इस लाइन से यहाँ 10 mm के डिस्टेंस पर मार्क लगाएंगे और एक लाइन ट्रेस करेंगे। देखिए ये हमने एक लाइन इसमें ट्रेस कर दिए। अब इसमें ड्रॉ करेंगे हम पॉकेट, 90 के एंगल पर स्केल को रखें, देख लेते हैं इसकी, इसको रखेंगे हम 5 cm। यहाँ से 90 के एंगल पर स्केल को रखें और एक लाइन ट्रेस करें। इसी प्रकार यहाँ 90 के एंगल पर स्केल को रखें और एक पॉइंट लगाएंगे, रख लिया, और एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ, एक लाइन और ट्रेस करें। देखिए उसके बाद यहाँ एक सेंटर का पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से एक पॉइंट लगाएंगे 6.5 mm की डिस्टेंस पर। ठीक है, इसमें थोड़ा पेंसिल यूज कर लेते हैं, 5 cm तक इस लाइन को ट्रेस करेंगे, एक मार्क लगाएंगे। इसी प्रकार इस लाइन को 5 cm तक आगे बढ़ाएंगे और एक मार्क लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ट्रेस करेंगे। इसी प्रकार यहाँ से देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ से इसको राउंड करेंगे। इस तरह से इसमें एक पॉकेट हम ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ लगेगी इसमें जिप, यहाँ भी एक कंपोनेंट प्लेस कर लेते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। कोई टो कैप इसमें बना सकते हैं, कोई विंग कैप भी बना सकते हैं। चलिए कुछ और ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। देखिए कहीं से भी ट्रेस कर सकते हैं आप, यहाँ से कर लेते हैं इसमें। देखिए यहाँ ये लूप को रोकने के लिए स्टिच, यहाँ जाके फैंसी स्टिच। यहाँ आएगी बैंड स्टिच और एक स्टिच करेंगे हम एज से 4.5 mm के डिस्टेंस पर, इसको बोलते हैं हाफ रोल स्टिच।
यहाँ दो पॉइंट्स लगाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए एक यहाँ आया पॉइंट और एक यहाँ। और एक यहाँ भी कर देंगे फैंसी स्टिच, एज से 4.5 एमएम के डिस्टेंस पर। यहाँ से जो पॉकेट है वह ओपन रहेगी, ये स्टिच पहले ही कर ली जाएगी। देखिए इसमें एक रैंडमली हम एक लाइन इसमें हम ट्रेस करेंगे, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है। आप इसको थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। इससे इसका डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, यह 80 mm, 80 mm। अब 20 mm का डिस्टेंस डिवाइडर में सेट करें, 20 mm। अब यहाँ से इसमें मार्क लगाएं 20 mm की डिस्टेंस पर। देखिए देखिए एक आया पॉइंट ये, एक ये और एक ये। यहाँ लगाएंगे हम आईलेट, फैंसी आईलेट्स। ये हमने इसमें तीन आईलेट्स लगा दिए हैं। देखिए अब इसको यहाँ से 90 के एंगल पर स्केल को रखें इस लाइन से, और एक लाइन ट्रेस करेंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन और ट्रेस करेंगे इसमें, इसी प्रकार यहाँ से। ये हमने तीन लाइन इसमें ट्रेस कर लिए हैं। देखिए यहाँ करेंगे हम स्टिच, देखिए ये वाली जो स्टिच है अभी हम करेंगे 6 ply से, ये भी 6 ply से और ये भी 6 ply से। दोस्तों ये बना लिया हमने सेंटर जिप बोर्ड स्टैंडर्ड। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।